और कोई भी यहाँ पे नहीं है, रात भर हम यहाँ पर रुकेंगे। और स्टेशन कोई भूतिया स्टेशन से कम नहीं है, फुल्ली स्टेशन इज ब्लाइंड, कोई नहीं है यहाँ पे। भाई ये ट्रिप का अपना लास्ट स्टेशन है हरिपाड़, पर देख के लग रहा है कि ज़िंदगी का लास्ट स्टेशन ना हो जाए। यहाँ तो कोई परिंदा भी नहीं है, यहाँ तक कि जानवर तक नहीं है। चलो देखते सुबह तक। तो फ्रेंड हरिपाड़ आने से पहले आप पहले ही होटल बुकिंग चेक कर लें, कि यहाँ होटल मिलना बहुत मुश्किल है। आज स्टेशन दिखा दे रहे हैं जहाँ पर कोई भी नहीं है, हम यहीं पर रुकने वाले हैं। अभी कोई तो गया यहाँ से, अभी कौन था अभी भाई, कोई तो यहाँ पर है लग रहा है ऐसा। भाई ये ट्रिप का अपना लास्ट स्टेशन है हरिपाड़, पर देख के लग रहा है कि ज़िंदगी का लास्ट स्टेशन ना हो जाए। यहाँ तो कोई परिंदा भी नहीं है, यहाँ तक कि जानवर तक नहीं है। चलो देखते सुबह तक। तो फ्रेंड हरिपाड़ आने से पहले आप पहले ही होटल बुकिंग चेक कर लें, कि यहाँ होटल मिलना बहुत मुश्किल है। आज स्टेशन दिखा दे रहे हैं जहाँ पर कोई भी नहीं है, हम यहीं पर रुकने वाले हैं। अभी कोई तो गया यहाँ से, अभी कौन था अभी भाई, कोई तो यहाँ पर है लग रहा है ऐसा। तो फ्रेंड्स हमारे ट्रिप का लास्ट स्टॉप था मनोसाला टेम्पल, बट यहाँ पे कोई भी होटल अवेलेबल नहीं है और लेट नाइट आए हैं। तो इस नाइट को हम रेलवे स्टेशन में स्टे कर रहे हैं, जिसके लिए देख सकते हैं आप रेलवे स्टेशन कोई भी नहीं है हमारे अलावा, सिर्फ हम लोग हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, हम टू और वन अदर पर्सन स्टेशन मास्टर, और कोई भी यहाँ पर नहीं है, रात भर हम यहाँ पर रुकेंगे। और स्टेशन कोई भूतिया स्टेशन से कम नहीं है, फुल्ली स्टेशन इज ब्लाइंड, कोई नहीं है यहाँ पर। चलिए आपको स्टेशन दिखाता हूँ, देख सकते हैं मेरे पीछे कोई भी बंदा नहीं है, एक भी। पूरी रात हम यहाँ रुक रहे हैं, तो रात को देखते हैं, वेटिंग रूम में वेट करते हैं, बाकी सुबह देखते हैं जाके वेट करेंगे स्टेशन पर। तो आज के दिन का हमारा रूम है ये, रेलवे वेटिंग रूम। तो आज रात यही रुकेंगे, मोबाइल चार्ज पे लगे। जीवन की सबसे अच्छी रात है, करोड़ों की ट्रेन आगे लेटे हुए। देख सकते हैं आज के रात का एक्सपीरियंस आपको शेयर करेंगे। स्टेशन में कोई भी नहीं है, बस हम और हमारे फ्रेंड रघु, और फुल स्टेशन इज ब्लाइंड, खाली। चलिए सुबह का दिखाते हैं कैसे रहते दर्शन, उसके बाद आपसे मिलते हैं। रात का तो यही है सफ़र।
फ्रेंड हम यही स्टे करने वाले हैं, ये वेटिंग रूम में, ये हमारे मोबाइल चार्ज भी लगे हुए हैं, उसके अलावा पीछे वॉशरूम है। तो आज की रात रेलवे स्टेशन काटते हैं, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। बाकी रेलवे स्टेशन पूरा खाली है, कोई भी पर्सन नहीं है, बस हम लोग, हम दोनों, मी मेरा फ्रेंड एंड अदर स्टेशन मास्टर। फ्रेंड स्टेशन पर रात काटने के बाद उसके पास में एक मंदिर था, सुब्रमण्यम स्वामी टेम्पल, अगर गलत प्रोनाउंस करो, सामने नाम लिखा हुआ है। वो उसका एंट्री गेट था और ये इसके अंदर का फर्स्ट व्यू। इस टेम्पल के अंदर हम गए, काफ़ी अच्छा टेम्पल देखने मिला हमें और काफ़ी खूबसूरत तरीके से बना हुआ है। यहाँ का बनावट ही अलग है मतलब टेम्पलों की। उसके अंदर ये स्वामी हमें देखने मिलते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी। इस टेम्पल का मैं आपको दो वीडियो क्लिप भी छोटी बहुत ली थी मैंने, दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर कैमरा वैसे भी अलाउ नहीं रहता, छोटा मोटा क्लिप लिया था मैंने, मोबाइल के पास रखा था, तो काफ़ी अच्छा देखने मिल जाता है आपको टेम्पल। मनरसाला टेम्पल हरिपाड़, ये हमारे ट्रिप की लास्ट डेस्टिनेशन थी। यहाँ के बाद हमें सीधा अपने घर के लिए निकलना था। इस टेम्पल में आप देख सकते हैं नागों का ऐसे रूप बना हुआ है। ये टेम्पल नाग देवी के ऊपर है, ये पूरी हर जगह आपको अंदर नाग देखने मिल जाएंगे, कुछ इस तरीके से नागों की मूर्ति बनी हुई है। ये पूरा टेम्पल नागों की रक्षा के लिए बनाया गया था, उस दिन कोई प्रोग्राम था स्पेशल, इसलिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी उस टेम्पल में। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर पूरा मतलब पूरा टेम्पल नागों के ऊपर बनाया गया है। ये पूरा जंगल था, यहाँ पे नाव की रक्षा के लिए टेंपल बनाया गया था। बाकी इसकी जो भी डिटेल होगी वो आपको मैं सामने दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, तो आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। एक बार फिर हम वही स्टेशन पे आ गए हैं पूरा घूमने के बाद। वापस हमें निकलना था यहाँ से भोपाल के लिए, तो वापस हम स्टेशन पे आ चुके। और दिन में भी ज़्यादा लोग स्टेशन पे आते नहीं हैं, मैं तो छोटा स्टेशन है शायद इसलिए ऐसा है, या फिर कुछ और कहानी है, वो देखना पड़ेगा कि क्या कहानी है स्टेशन की। बट ठीक है, हमारा ट्रिप अच्छा रहा, काफ़ी अच्छे से हमने पूरे दर्शन कर लिए भगवान के। यहाँ से हम निकल रहे हैं भोपाल के लिए, बैग तैयार है, ट्रेन का वेट कर रहे हैं, ट्रेन आती है हम यहाँ से भोपाल के लिए निकल जाएंगे। बाकी का रास्ता ठीक ठाक रहा और ये ट्रिप भी हमारा काफ़ी अच्छा कटा। बस कल रात का सीन था जो हमें स्टेशन पर निकालनी पड़ी, बाकी ट्रिप तो बढ़िया था। तो आप भी आए और घूमें ज़रूर।